जो प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हुई दैट स्टार्टेड मार्च 2019, मुझे पहली बार पता चला 26 मार्च 2019 को. आई केम फ्रॉम माय वर्क और मैं आके बैठा और सडनली मेरे हाथ में क्रैम्प्स आए. जब फर्स्ट टाइम इनको क्रैम्प्स आए तो उस दिन इनका फ्लाइट था, फ्लाइट करके आए ये घर पे और इन्होंने कहा कि यार पता नहीं हैंड्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं. तो मैंने कहा ऐसे ही आ रहे होंगे, थोड़ा वीकनेस फील होता है तो हो जाता है या कोई डेफिशिएंसी हो गई होगी बॉडी में. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है. फिर रात को जब हम सोए तो ही वॉज़ लाइक कि यार बहुत बहुत सीवियर क्रैम्प्स आ रहे हैं और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. तो मैं आई वॉज़ ऑल ब्लैंक कि यार ये क्या हो रहा है. फिर उसके बाद इनको वॉशरूम जाना था तो मतलब ये उठ के जा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि कॉज ऑफ दोस क्रैम्प्स. तब हमें लगा इट वाज लाइक बिट वी हैव टू थिंक ओवर इट. फिर उसके बाद मणिपाल गए आफ्टर सो मेनी हॉस्पिटल्स. मतलब पूरा हमने जयपुर का ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स को कवर किया. फिर उसके बाद सडनली पता नहीं कैसे हम मणिपाल पहुँचे, वहाँ पे सर से मिले. देन मैं जितेंद्र सर से मिला कि सर ये है, तो बोला डोंट वेस्ट टाइम, प्लान योर ट्रांसप्लांट. उस टाइम हमारे घर का माहौल बहुत ऐसा हो गया था, मतलब बहुत टेंशन में थे हम लोग. बस यही था कैसे भी ये बच्चा ठीक हो जाए. इसके छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए मेरे दिमाग में बहुत टेंशन. रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, बस यही प्रार्थना करती थी ऊपर वाले से भगवान इसको ठीक कर दे. बस वो करके मैंने अपनी हिम्मत करके मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इसको देनी है किडनी. उसके बाद हमने अपना पेपर वर्क किया, एसएमएस में फाइल गई, एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया. एंड लाइक 19th May 2019 इट वाज प्लान्ड. आई वाज सपोज टू गेट एडमिट एंड नेक्स्ट डे इट हैपेंड, ट्रांसप्लांट हैपेंड सक्सेसफुली. आई थिंक आई हैव सीन best team in my life and like now it's not team for me, now it's not hospital for me, now it's not doctor and patient relation with me, now it's family. Like Girraj ji hai, Alok Pandey sir hai, Dhawan sahab hai, Jyoti Bansal sahab hai, Jitendra Goswami sahab hai, it's like family. The part which I left out in my profession flying due this disease which was about March 2000, like almost 1.5 years was very bad because I used to see some videos in NatGeo and YouTube flying and all. So it was like, it was pinching somewhere in my heart, like I was doing, now I'm not doing. So it was bad. Could work hampered, but now I started working and all because of, I will again say, because of good team. Now the thing is how I dealt like I had confidence I can do it. I am as a profession a commercial pilot and I always this confidence like ki 200 logo ko piche bitha ke udna hai aur wo ek emergency tackle karni hai. So I dealt it as a emergency in my life and I dealt it beautifully.